क्या है या अतिक्रमण है इस बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाई, और अगर नहीं है तो ये जो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं परिवार वाले क्या कह रहे हैं, चूंकि पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ एक जना प्रभावित नहीं होगा जिसने हत्या की है, पूरा परिवार इसमें प्रभावित होगा। देखिए, अभी जो मकान के ऊपरी हिस्से को तोड़ा जा रहा है, और अभी तक जो बात सामने आई थी कि जो मकान का ऊपर का जो हिस्सा है वह अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था, अवैध निर्माण किया था। हालांकि अर्जुन यहाँ रहता था, लेकिन जिस दिन उसने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया उसके पहले उसने अपने परिवार के लोगों को यहाँ से भेज दिया था। पत्नी और बच्चों को उसने भोपाल अपने मामा के घर पहुँचा दिया था, और जो भी परिवार के लोग और यहाँ रहते थे उन्हें रिश्तेदारों के घर भेज दिया था। यानी 2 महीना पहले ही हत्या की साजिश रची थी, प्लान तैयार था कि हत्या करने के बाद, उसे पता था कि मोनू कल्याणे की हत्या के बाद में समर्थक जो है देर रात घर पहुंचेंगे, और इसी क्षेत्र में हत्यारे और जिनकी हत्या की गई थी बीजेपी नेता वो भी इसी क्षेत्र में रहते थे। इसलिए अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि हत्या करने के बाद में लोग उसके घर पहुंचेंगे, और इसके पहले ही उसने घर के सभी लोगों को अपने घर से भगा दिया था। फिलहाल आज एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, जो यहाँ की रिमूवल के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ नगर निगम की वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कौन कौन सा हिस्सा अवैध था, क्या चीज़ था, उनसे उन सब चीज़ों को लेकर हम उनसे बातचीत भी करते हैं, और फिलहाल उनसे पूछेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर। अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, मैम एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, क्या ये जो निर्माण था वो अवैध था या उसके ऊपर स्वीकृत जो बिल्डिंग परमिशन थी उससे विपरीत था, इसलिए वो हम लोग इसको आज हटा रहे हैं जितना स्वीकृति के विपरीत बना हुआ है। ऊपर ऊपरी वाला जो मंजिल में से तोड़, पूरी कार्रवाई जितना बिना अनुमति के बनाया हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा तोड़ दें, ऊपर का हिस्सा बिना अनुमति के जो भी स्वीकृति के विपरीत बनाया वो सब। निगम का कितना फोर्स इसमें लगा हुआ है? निगम के 100 लोग इसमें हैं, पर्याप्त पुलिस बल है, कोई ऐसी विवाद की स्थिति नहीं? नहीं, तो इस वक्त यहाँ पे कोई विवाद की स्थिति नहीं है, और नगर निगम के जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और बड़ी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि जो नक्शा था उस नक्शे के जो नक्शा स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार ये डिज़ाइन नहीं किया गया था, यानी जो घर है उसमें बनाने में अनियमितताएँ रही हैं, और जो ऊपर का हिस्सा है वो इलीगल था, और उसमें तो इस वक्त नगर निगम की तोड़ने की कार्रवाई चल रही है फिलहाल। लेकिन एक बड़ा मैसेज है मंत्री जाएगा और उसी को ढहाने का प्रयास हो रहा है, और बड़ी फोर्स भी यहाँ पर लगी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मोहन कैबिनेट में मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब सीएम समेत सभी मंत्री अपना टैक्स जो है इनकम टैक्स खुद भरेंगे, यानी कि सरकार पर मंत्री और सीएम के इनकम टैक्स को लेकर वित्तीय बोझ नहीं आएगा। 52 साल बाद मोहन सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बने नियम को बदल दिया है। 1972 में सीएम विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने को लेकर नियम बनाया गया था। साल 2023-24 के वित्तीय साल की बात करें तो 79.07 लाख बतौर इनकम टैक्स दिया गया, लिहाजा अब शासन पर मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरंगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। तो ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, अब सरकार जो है मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी। जो भार आता था, जो बोझ पड़ता था, वो उससे अब छुटकारा कहीं ना कहीं सरकार को मिलेगा। बता दें 52 साल पुराना ये नियम बदला गया है, और जो पुराना टैक्स था वो भर दिया गया, उसका क्लियरेंस हो चुका है। अब से जो है मंत्री अपना टैक्स जो है वो खुद भरेंगे, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होगी, सरकार जो है ये टैक्स नहीं भरेगी। ये बड़ा फैसला जो है कैबिनेट में लिया गया, मोहन सरकार ने ये लिया है, 52 साल पुराना नियम बदल दिया गया है, और कहीं ना कहीं इसे अच्छी पहल भी हम मान सकते हैं। ये जो पैसा है बाकी कामों में लग सकेगा, और अब मंत्री जो है अपना पैसा, अपना जो टैक्स है खुद भरेंगे। 1972 का यह नियम था जिसे बदल दिया गया है, और मोहन यादव की कैबिनेट ने आज यह फैसला लिया, और इसी बैठक में सीएम यादव ने इसका सुझाव रखा जिस पर सभी ने सहमति दी।
सरकार ने पिछले 5 साल में 3.24 करोड़ रुपए टैक्स भी जमा किया था और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। बावन साल बाद ये बड़ा फैसला जो है मोहन सरकार ने लिया है और अब से जो है मंत्री खुद टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स जो है मंत्री खुद भरेंगे, इसका भार या बोझ अब सरकार पर नहीं होगा, सरकार बाध्य नहीं होगी इसे भरने की। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 52 साल पुराना नियम बदल दिया गया है मोहन कैबिनेट में और अब जो है सरकार किसी तरह का बोझ नहीं उठाएगी, मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। देखिए बिल्कुल आज काफी बड़ा फैसला सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और लंबे अरसे से करीब 52 साल से हमेशा से मंत्रियों का जो इनकम टैक्स है वो सब सरकार भरती थी और इसका वार्षिक बोझ 1 लाख के करीब 80 लाख रुपए तक आता था और उसके ऊपर भी बढ़ जाता था। करीब सभी मंत्रियों ने 18 करोड़ की संपत्ति अपनी दिखाई हुई है तो इस सबका टैक्स सरकार भरती थी। अब उस फैसले को बदल दिया गया है और सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि सभी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे, जिस तरह मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी भरते हैं। तो एक ये बड़ा फैसला आज मोहन कैबिनेट में हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शहीदों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। अब मध्यप्रदेश के शहीद अगर शहीद होते हैं सैनिक तो सबसे बड़ी बात है कि जो आर्थिक राशि सहायता की दी जाती थी वो अभी तक केवल उनकी पत्नी को मिलती थी, लेकिन आगे से अब इस राशि को माता पिता को भी दिया जाएगा। 50% राशि माता पिता को मिलेगी और 50% राशि पत्नी को मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से ये शिकायत आती थी, माता पिता कहते थे कि हमें शहीद तो हो गए लेकिन बेटा हमारा, लेकिन हमें उसका राशि का कोई वो फायदा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की बात आती थी और पत्नी अलग हो जाती थी। तो एक ये बड़ा फैसला आज कैबिनेट में लिया गया। इसका अलावा हरियाली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, प्लांटेशन को लेकर अब मध्यप्रदेश सरकार ने जो नियम में बड़ा बदलाव किया है। अगर अब सीएसआर से कोई अगर छोटे जमीन पर भी अगर फॉरेस्ट जमीन पर अगर वो पौधे लगाना चाहेगा तो मान सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनको एक पेड़ मां के नाम से शुरू होने वाले अभियान की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि गृह मंत्री इस कार्यक्रम में आएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर से अभियान की शुरुआत होगी, इस दौरान 51 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। सीएम की मुलाकात, मध्य प्रदेश के सीएम की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और जो अभियान की शुरुआत होने जा रही है उसके बारे में जानकारी मोहन यादव के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को दी गई। साथ ही साथ उनको आमंत्रण भी दिया गया। अभियान होगा एक पेड़ मां के नाम, अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसी के सिलसिले में बातचीत और साथ ही साथ चर्चा भी। आज मैं दिल्ली के प्रवास में अपने कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। मैं सबसे पहले गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं और उनको मैंने हमारे अपनी माँ के नाम के पेड़ के बड़े अभियान के शुरुआत के लिए निमंत्रण दिया है और उनने हाँ भी की है। हम कोशिश करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में जब आएँ तो लगभग 5.5 करोड़ पेड़ों का हम अपने एक पेड़ अपनी माँ के नाम के अभियान के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 51 लाख पेड़ हम सबसे पहले इंदौर जिले में लगाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसे और अच्छे कामों को लगातार हाथ में लेते आगे बढ़े। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत होने जा रही है जिसकी शुरुआत इंदौर से होगी और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, इस पर तो चर्चा हुई, न्योता भी दिया गया, इसके अलावा भी क्या खास चर्चाएं इस बैठक में हुई होंगी, इस मुलाकात में हुई होंगी? देखिए मुलाकात के दौरान आज जो कैबिनेट ने अपने फैसले लिए हैं उसकी पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे केंद्रीय की योजनाओं को और राज्य की योजनाओं को सरकार लागू कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था एक पेड़ मां के नाम, तो उसकी पूरा उन्होंने अभियान के बारे में बताया और साथ साथ उनको अमित शाह को इंदौर आने का भी न्योता दिया कि आप आइए और इस अभियान की शुरू की। इसके अलावा जो राज्य की कैबिनेट ने फैसले लिए हैं उसकी एक
एक चीज उन्होंने डिटेल में यहां पर साझा की और इसके पूरे विस्तार से बताया कि कैसे राज्य सरकार इनको क्रियान्वित करेगी। साथ साथ ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात को उन्होंने सौजन्य भेंट बताया, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री यहां संसद भवन के अंदर हैं और उनका मुलाकातों का दौर जारी है, तो जाहिर सी बात है यहां पे अभी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर भी बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल पर सियासी घमासान मचा है, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक चार पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज के ही दिन कांग्रेस का लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने लिखा, अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। पीथमपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, बता दें अवैध रूप से यहां पर फिलिंग हो रही थी, आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और फायर ब्रिगेड ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर काबू पा लिया है। पीथमपुर के छत्रछाया कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। अवैध रूप से फिलिंग का काम हो रहा था, गैस रिफिलिंग का काम यहाँ पर होता था और वो भी अवैध रूप से, यहाँ पर आग की घटना सामने आई है, ब्लास्ट भी हुआ है सिलेंडर में। ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पीथमपुरा की तस्वीरें हैं। देखिए ब्लास्ट जब हुआ किस तरह से आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया और ये फैलती चली गई, लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा घटनाक्रम भी यहां पर हो सकता था। खंडवा कलेक्ट्रेट में पुजारियों का प्रदर्शन देखने को मिला, 5000 महीना देने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। पुजारी संगठन के बैनर तले प्रदर्शन सरकार की घोषणा पर अमल करने की मांग है, साथ ही साथ दान दक्षिणा से गुजारा मुश्किल इनके द्वारा बताया गया है। खंडवा का हम जिक्र कर रहे हैं, पुजारी संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचा और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो दान दक्षिणा होती है उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल होती है और अलग से इन्हें पैसा दिया जाए, 5000 महीना दिया जाए जिससे इन्हें सहायता मिल सके।